ये भी नहीं है कि उस चीज का आप मजाक उड़ाओ, क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत रियल होती है उनके लिए। मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मुझे इस तरह का किरदार करने का मौका मिला। तूफान सब अंदर है, बाहर नहीं दिखता, लेकिन वो अगर लोगों को समझ आ जाता है तो देन दैट्स सोने पे सुहागा। जस्ट एज अ टीम इट वॉज द बेस्ट टीम टू वर्क। मेरे पास ऐसी फालतू स्क्रिप्ट भी आती है जो ये करना है वो करना है, पर उसका कुछ अगर सर पैर ही नहीं है तो फिर आप क्यों करोगे? मैं तो नहीं करता। आई मीन आई डोंट नो। सो हेलो गाइस, दिस इज ज्योति विश्वकर्मा हियर एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने चक दे इंडिया से लेकर मिसमैच तक अपने अदाकारी से दर्शकों को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। तो वही अब वो डॉक्टर अरोड़ा से ऑडियंस का दिल जीतने आ चुकी है। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी गॉर्जियस विद्या मालवदे। सो सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल विद्या, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डॉक्टर अरोड़ा। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर अरोड़ा के बारे में? सीरीज आपको मुझ मिश्रा जी की बात कर रहे हैं या हमारी सीरीज की बात कर रहे हैं? के बारे में, ओवरऑल सबके बारे में। राइट, तो आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हम लोग सब बहुत खुश है। कुमुद मिश्रा जी जो डॉक्टर अरोरा का किरदार निभा रहे हैं, वो अभी यहाँ नहीं है, वो कहीं और शूट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ प्रमोशंस कर रहे हैं और उनको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक जो हमने सोचा था कि यू नो एक एक ये सेक्सोलॉजिस्ट पर कहानी है तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा वो देखना, वी वांटेड टू सी कि क्या कैसे लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन लोगों को शो भी बहुत अच्छा लगा है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगा है भी बहुत अच्छा एक्चुअली, और हम सब के परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छे लगे हैं। जो ट्रैक्स है सारे वो भी अच्छी तरह से एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो आप सब्जेक्ट लेते हो सेक्स सेक्स मतलब एक ऐसा टैबू सा सब्जेक्ट जो किसी भी मतलब अगर उसे ठीक से हैंडल ना किया जाए तो वो एक अनकंफर्टेबल सा हो जाता है यू नो, और एक कभी कभी वल्गैरिटी या कुछ अश्लीलता भी हो सकती है उसमें। लेकिन जो हमारे मेकर्स है, राइटर्स है, क्रिएटर्स है, उन्होंने इम्तियाज जी है, अर्चित और साजिद जिन्होंने डायरेक्ट किया है वो है, आई थिंक सबने मिलकर यही कोशिश की है कि ये एक अच्छा लाइट हार्टेड ऐसा शो हो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को पसंद आ रहा है इतना, और बिना झिझक देख सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसमें ना ही कुछ वल्गैरिटी है ना ही कोई अश्लीलता है। इट्स जस्ट फैक्ट है जो है, मतलब अगर आपका हार्ट टूट जाए तो आप किसी बोन डॉक्टर के पास जाओगे या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओगे, तो एक कोई और समस्या है आपके आपके आपको अगर फील हो रही है तो वो आप यू नो किसी उसी तरह के डॉक्टर के पास जाओगे ना। तो हाउ इज वन डॉक्टर बेटर एंड द अदर डॉक्टर नॉट गुड? तो बस यही है, So, विद्या, नॉर्मल आपको होना लगता चाहिए। है कि ये सीरीज देखने के बाद जो लोगों की मेंटालिटी है, यू नो, जैसे कि आपने अभी कहा कि सेक्स जो वर्ड है वो एक टाबू बन गया है, तो इस सीरीज को देखने के बाद लोगों की जो मेंटालिटी है इस चीज को लेकर वो बदल जाएगी? बदल जाएगी कि नहीं उसे, एक सीरीज से कुछ नहीं हो सकता वैसे, पर यही है कि अगर थोड़ी बहुत बात शुरू हो जाए तो इसमें तो बदलने के चांसेस है, और फिर आगे जाके ये हो सकता है। अगर आप उसे एक बंद दरवाजे में ही रखोगे तो फिर कभी कुछ होगा ही नहीं ना। तो हमने थोड़ी सी कोशिश की है एक लाइट हार्टेड वे में, ये भी नहीं है कि उस चीज का आप मजाक उड़ाओ, क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत रियल होती है उनके लिए। तो इट्स नॉट फनी इन एनी वे। और जो इससे गुजर रहे हैं आई थिंक वो मेंटली भी इतना, ये भी हमने बात करी एक्चुअली शो के अंदर, क्योंकि यू नो जैसे कि जिस्म का लगाम यहाँ पे माइंड में है, बॉडी इज गवर्न्ड आल्सो इवेंचुअली माइंड से ही। तो एक तो वो मेंटल मेकअप जो चेंज करना है, तो मुझे लगता है बदलाव तो वैसे ही आ रहा है और जेनरेशन बाय जेनरेशन वो बढ़ता ही जाए। और ऐसी चीजों में टैबू का कोई मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है टैबू की, क्योंकि जितना आप उसे बंद बंद करके रखोगे उतना क्राइम ज्यादा फैलेगा, उतना उतना जस्ट अनकंफर्टेबल स्पेस हो जाएगी लोगों में। आई थिंक जितना ओपन हो आप उतना बेटर है। वैसे भी इस वेब सीरीज की टैगलाइन भी है कि जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा। आप इस चीज को कितना सपोर्ट करते हैं? बट करेक्ट है ना एकदम, बिकॉज लिटरली जैसे कि मैंने कहा जब तक ये
जब तक टैबू रहेगा या गुप्त रहेगा तब तक ये रोग मुझे लगता है दिमाग में ही शुरू होता है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होकर फिर आपकी बॉडी में इनहिबिट होता है कि मैनिफेस्ट होता है कि ये सही चीज नहीं है, सही चीज नहीं है। अगर आप सालों से लोगों को बोलते रहो कि ये सही नहीं है, सही नहीं है, तो फिर आपके अंदर वो समेट जाता है ना कि ये सही नहीं है। तो यदि उस चीज को हमने थोड़ा सा फ्रीडम अगर मिल जाए तो फिर ये सीरियसली रोग नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, खेल यहाँ से शुरू होता है। एग्जैक्टली, सब कुछ यही से शुरू होता है। सो टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर बिटा, कि आपका जो कैरेक्टर है वो वैशाली का किरदार है, जो एक बहुत ही अलग है, अब तक आपने ऐसा शायद ही कैरेक्टर प्ले किया हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने वैशाली कैरेक्टर के बारे में? आई थिंक मुझे मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मुझे इस तरह का किरदार करने का मौका मिला। मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पहले तो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए और कोई हो जो उनमें बिलीव करे। ये दोनों चीजें मुझे इम्तियाज अली जी और उनके पूरे क्रू ने दी है, उनके पूरे यूनिट ने दी है, मेरे डायरेक्टर अर्चित कुमार ने दी है, साजिद अली ने दी है, और एवरीबडी एल्स। और उसके साथ साथ आई थिंक उन्होंने इतना ब्यूटीफुल सा एक सेफ जोन क्रिएट किया था हम सब एक्टर्स के लिए, कि हम अपने रियली मतलब वैशाली मेरे पता नहीं कहाँ से अंदर से निकली है वो। अगर आपने सीरीज देखी होगी तो आपको शायद पता होगा कि मैं कहती हूँ कि ये एक प्याज की तरह है, इतने सारे लेयर्स है उसके अंदर, वो निकलता जाए, पील करते जाओ आप। और ज्यादा लाइंस डायलॉग्स नहीं है, सब जो चीजें है बस उसकी आंखों में है, उसके प्रेजेंस में है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में है, और वो सब इतने सालों का जो वो लेके आई है यहाँ तक। मैंने जब पहली बार पढ़ा था मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, और हर टाइम मैंने जो जब स्क्रिप्ट फिनिश की लास्ट पेज तक पहुंचती थी मेरा मतलब दिल भर आता था, क्योंकि इतनी सुंदर तरीके से लिखा हुआ है पहले तो, और इतना उसके अंदर आई थिंक मैं वैशाली के कैरेक्टराइजेशन में घुस गई थी कि मैंने उसे पता नहीं कितनी बारी पढ़ा है और कितनी बारी उसके अंदर हर सीन पर कितनी सारी चीजें लिखी है, और वैशाली को क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दूं इसके बारे में सोचा है मैंने अर्चित ने। हर सीन हर शॉट को बहुत एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने ना उसका किरदार जिया है लिटरली इन एक साल में, जब से मेरे पास वो स्क्रिप्ट आई थी लास्ट अप्रैल आई थिंक मेरे पास वो स्क्रिप्ट आई थी तब से। हालांकि मैं इम्तियाज जी की पहली चॉइस नहीं थी, उन्हें लगता था कि मैं बहुत ग्लैमरस हूँ, लेकिन फिर मैंने उनको मैसेज करके बोला कि डोंट टेक अ पार्ट अवे फ्रॉम मी बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी, मुझे that's why I said all an actor needs is an opportunity and somebody to have faith. So I think wo jo hai maine apni maid se kaha ki mujhe na tumhara ek saree aur blouse do aur mere photo khicho, aur maine khichwa liye photo usse hi, aur fir maine wo bhej diye aur message bhi bhej diya sir ko ki aap please mujhse aap if you all want a separate sort of a look test or something for the character I'll do, because I knew, मुझे पता था कि मैं वेस्टर्न दिख सकती हूँ डेफिनेटली, पर मैं बहुत इंडियन भी दिख सकती हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मैं फाइनल शूट खत्म हुई और सर इम्तियाज जी ने सीरीज देखी और फाइनल एपिसोड पूरा देख लिया, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुमने बहुत अच्छा किया है, आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने थैंक यू फॉर दिस बिकॉज यू डन इट सो वेल, यू हेल्ड वैशाली टुगेदर सो वेल, एंड आई थिंक वो मेरे लिए एक लिटिल लाइक अ जीत का मोमेंट था। ये उनको करने की जरूरत नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ही इज सच अ काइंड मैन एक्चुअली, दैट्स व्हाई ही प्रोबेबली सेंड मी दैट मैसेज, बट द थिंग इज वो मेरे लिए एक तरह की छोटी सी जीत थी, क्योंकि एक होता है अगर वो कन्वर्ट हो गए कि अच्छा एक ग्लैमरस सी लड़की है ये नहीं कर पाएगी, अच्छा इतना अच्छा किया, तो मुझे लगा फिर मेरा ऑडियंस से भी ऑडियंस को भी फिर चांस है कि बदलने का, कि अच्छा ये विद्या ये भी कर सकती और ये भी ये किया है उसने, तो दैट वाज आई थिंक दैट वाज इट। और मुझे लगता था कि वैशाली के अंदर इतना सारा जो खालीपन है, जो गाना भी है हमारा, वो
स्क्रिप्ट को पढ़ते ही आई थिंक पहली चीज वो आई थी, जो खालीपन है, जो गिल्ट है, जो इतने सालों से वो लेके चल रही है, अपने हस्बैंड को छोड़ा लेकिन वो गिल्ट नहीं छूट पाई है, और जो सेल्फ जजमेंट है जो वो अपने बारे में सोचती है, वो इतना, मतलब आई थिंक एक तो औरतों में ये गिल्ट और सेल्फ जजमेंट तो होता ही है, लेकिन इसकी जो लेवल थी, ऐसा लगता था कि यू नो एक ऐसा पहाड़ है और उसके नीचे है वो, ये सब लेके चल रही है, 15-17 साल से वो चल रहा है। तो एक मतलब मुझे बहुत मजा आया करने में, कुमुद जी भी साथ में थे, वो इतने उम्दा कलाकार है, उनके साथ भी यू नो सारे सीन्स जो मेरे थे ऑलमोस्ट उन्हीं के साथ थे। तो और अर्चित एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, और हमारी आई थिंक मेरी इतनी अच्छी सिंक किसी डायरेक्टर के साथ हुई नहीं है जितनी अर्चित कुमार के साथ हुई है, बिकॉज मैं जो सोचती थी वो कह देते थे, वो जो सोच रहे होते थे मैं कह देती थी, और हमने आई थिंक वैशाली एकदम साथ में ढूंढी है और उसे क्रिएट किया है। वैशाली का कैरेक्टर प्ले करना, हाउ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जो किरदार है इसमें काफी खालीपन है, यू नो एक फ्रेज है कि एक्शन यू नो साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन एक्शन, तो वो एक खालीपन को आपने कैसे भरा, बिकॉज एक वो चुप्पी साधे रखना कैमरा के सामने, सिर्फ आंखों या एक्सप्रेशन से अपनी चीजों को बयान करना, वो काफी डिफिकल्ट होता है, तो ये कितना चैलेंजिंग था आपको वैशाली का कैरेक्टर प्ले करना? चैलेंजिंग डेफिनेटली है, उसके लिए बहुत होमवर्क लगता है। आप जैसे कि मैंने कहा, ये स्क्रिप्ट मेरे पास 4 महीने पहले आई थी शूट से, तो मेरे पास वक्त था, एक लॉकडाउन से गुजरे थे हम उस वक्त भी, तो मेरे पास वक्त था इस पर काम करने के लिए। नॉर्मली मैं हर सबकी लास्ट चॉइस होती हो, तो मेरे पास स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट 2 दिन पहले आ जाती है, तो इस पर काम करने के लिए भी बहुत वक्त मिला, और मुझे इसी यही एक जो चैलेंज था जो मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट, क्योंकि आप जब बात करते हो सब बोल देते हो तो उसमें मजा क्या है, मजा वो है कि आप अगर अपने अंदर लेकर वो चलो और सिर्फ आपकी आंखें बया कर रही हैं, सिर्फ आपका आपका प्रेजेंस है, आपकी बॉडी बया कर रही है कि क्या क्या है इसके अंदर, उसमें थोड़ी सी मिस्ट्री होती है उसमें, ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो आप कर रहे हो लेकिन ऑडियंस को कुछ समझता ही नहीं है, तो कह रहे हैं क्या क्या वो क्या रहे, पर मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने सोचा, जो मैंने किया और जो मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस था वैशाली को लेकर, वो सब ऑडियंस तक पहुंच पाया है, और इतनी अच्छे अच्छे कमेंट्स और इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं लोग वैशाली के किरदार के बारे में, उसके या मेरे बारे में, या मैंने जिस तरह से किया है उसके बारे में, इसका मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्हें वो जो है वो ट्रांसलेट हुआ, मतलब यही नहीं कि मेरी तरह ही सीमित रहा, यू नो व्हाट आई मीन। तो डेफिनेटली ज्यादा चैलेंजिंग होता है अगर आपके पास लाइंस बहुत कम है, क्योंकि फिर वो सब सिर्फ इतने से आपके सिस्टम में सब समा जाता है, तो पर मजा, वो चैलेंज एक्सेप्ट करना ही तो सबसे बड़ा मजा है, इसीलिए तो मुझे बहुत मजा आ रहा था उसे करने में भी, कि जो है सब है, आपको समझ नहीं आता ये क्यों ऐसे कर रही है और इसको क्या मतलब क्यों इतना ये सब लेके चल रही है, अंटिल द एंड, जब वो जो उसके अंदर एक सिमरिंग वॉल्केनो है जो बस है, आपको पता है से भरा पड़ा हुआ है, हाँ काफी सालों से भरा पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली जो इमोशनल टर्बुलेंस है जो इतने सालों से अंदर रख के चल रही है, वो आपको एज एन ऑडियंस दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, फिर ऑफ कोर्स एंड में जाके वो वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, फिर यू नो खुलासा होता है या जो भी होता है, वो आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड ये क्या क्यों बेचारी इतना अपने आप को क्यों लेके चल रही है, पर है ना हम सभी लोगों में वो कुछ ना कुछ हम लेके चलते हैं अपनी लाइफ में जो हमें हर्ट करता है। ऑडियंस द्वारा काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एंड आपके कैरेक्टर यानी कि वैशाली के किरदार को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा कोई कमेंट या कोई रिस्पांस मिला है जो आपके बहुत दिल के करीब है और उसने आपके दिल को छू लिया हो? आई थिंक बहुत सारे है ऐसे, आप क्रिटिक्स ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है, मतलब ध्यान से मैं आपको आई थिंक मेरे पास द स्वीटेस्ट थिंग इज के मेरे और अर्चित के बीच में ये हम
आपको मैं पढ़ा के सुनाती हूँ। हम लोग एक दूसरे को भेजते रहते हैं, अच्छा ये देखो तुम्हारे लिए क्या लिखा है, अच्छा ये देखो तुम्हारे लिए क्या लिखा है। वैसे तो यू समबडी हू रोट समथिंग रियली लवली, वैशाली यू लेफ्ट मी स्पेल, विद्या यू लेफ्ट मी स्पेल बाउंड एज वैशाली इन डॉक्टर अरोरा ऑन सोनी लिव, अ पार्ट ऑफ मी इज लेफ्ट देयर इन दैट वर्ल्ड ऑफ वैशाली, I hope that to get to walk along with you on a solitary path in a quiet night with Mehram, which is our song, playing in the background. Kudos. So this is really like very sweet, I think, because Mehram, of course, is one of my favorite songs as well. Or I think a lot of people have said ki Vaishali aur Vishesh ki jo love story hai, वो जो पेन और लॉन्गिंग इतनी अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया गया है, यू नो, क्योंकि नॉर्मली हम लव स्टोरीज देखते हैं यंग कपल्स में, तो ये स्लाइटली यू नो लाइक अ मिडिल एज कपल में 30s 40s में देखने को ज्यादा नहीं मिलती। तो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग कि लोगों को वो पेन और लॉन्गिंग और जो है उन दोनों के बीच में वो अच्छा लगा है। yeah. So, yeah, बहुत सारे स्वीट स्वीट से मैसेजेस आए हैं। आई थिंक क्रिटिक्स ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि जब अब दिस इज वन थिंग, सो आई थिंक किसी ने लिखा था, आई थिंक आई डोंट नो रिमेम्बर व्हिच वन, बट कि वैशाली एक तूफान की तरह आती है और एंड तक वैसी ही रहती है, व्हिच वाज एग्जैक्टली व्हाट आई केप्ट सेइंग। आई सेड तूफान सब अंदर है, बाहर नहीं दिखता, लेकिन वो अगर लोगों को समझ आ जाता है सो देन दैट्स सोने पे सुहागा। Exactly, आपकी किरदार को एक्चुअली मिला ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। What would you like to say about कि जैसे सेट पर आप गए, आपको कुमुद लिश्ना मिले, इम्तियाज अली के साथ आपने काम किया है, बॉन्डिंग कैसे थी और क्या कुछ मेमोरीज है जो आप अपने ऑडियंस और लहरे के ऑडियंस के साथ शेयर करना पसंद करेंगे? तो आई थिंक बॉन्डिंग मुझे नहीं लगता इतना, मुझे लगता है ये जो सेट था वो सबसे एक्टर फ्रेंडली सेट था। सारे लोग एक ऐसी सिंक्रोनिसिटी में काम कर रहे थे जिससे कि जो एक्टर पर्दे पे आने वाला है उसका परफॉर्मेंस सबसे उसका सब कुछ सबसे बेहतर हो। मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हमने जैसे कि मैंने कहा लॉकडाउन लास्ट ईयर अप्रैल में हम मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी, हम जूम कॉल्स पे बात करते थे तब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। और उसके बाद जब इवन इम्तियाज सर से मिले या कुमुद जी से भी पहली बार मैं इस वर्कशॉप में मिली हूँ, तो उनका काम तो ऑफकोर्स बहुत देखा हुआ है और बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन पहली बार मिली उनसे और तब से ही एक ऐसी कमराडरी बनी है जैसे मतलब इवन दो मैं उनको जानती नहीं थी पर मेरे लिए तो वो विशेष ही थे और वैसे ही बने रहे पूरा वक्त। जैसे मुझे अपने आप को मैं अपने आप से कहती थी मैं सबसे बेस्ट वैशाली बनूंगी, मैं सबसे बेस्ट वैशाली बनूंगी, तो मेरे लिए कुमुद जी भी सबसे बेस्ट विशेष थे। और फिर जो इम्तियाज सर हमारे साथ बातें करते थे, जो हम रीडिंग्स करते थे, उसमें भी बहुत सारे इनपुट्स उनकी तरफ से आए। अर्चित के साथ एक्चुअली सबसे ज्यादा इंटरेक्शन डेफिनेटली उसके साथ है क्योंकि उसने मुझे डायरेक्ट किया है इसमें। और जो डायरेक्टर एक्टर एसोसिएशन होता है, रिलेशनशिप होती है, वो भी बहुत नाजुक और बहुत सुंदर होती है। और इसमें तो जैसे कि मैंने कहा हम दोनों की वेवलेंथ एकदम ऐसे इतनी मैचिंग थी कि मुझे लगता था मैंने पहले दिन कुछ से बोल दिया यू आर स्पॉइलिंग मी फॉर ऑल दी अदर डायरेक्टर्स, ये बहुत ज्यादा ट्यूनिंग हमारी अच्छी है। और फिर पता चला कि उनका बर्थडे मेरी मॉम की बर्थडे में है, मेरे से एक दिन पहले मेरी मॉम का बर्थडे है, तो यू नो इट वाज लाइक अच्छा आई हैव लाइक माय मदर ऑन सेट हु इज लिटरली लाइक माय ब्रदर राइट। बट या बट आई थिंक जस्ट एज अ टीम इट वाज द बेस्ट टीम टू वर्क विद, द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर्स, द everybody around, the associates, the camera department, Rajesh ji, मुझे इतने सारे लोगों ने कहा है इतनी सुंदर लग रही है उसमें, इतनी सुंदर लग रही है। ऐसे मैंने कुछ नहीं किया है, ये राजेश जी का कमाल है क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे लाइट किया है, इतने डेलिकेटली शूट किया है। मुझे वैशाली की ना मुझे लगता था उसमें एक ऐसी डेलिकेटनेस है, एक ऐसी फ्रेजिलिटी है, नाजुकपन है उसमें, जो अगर निकल के आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और वो निकल के आया है। वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मेरा है और काफी सारा राजेश जी का भी है जो हमारे डीओपी थे, कैमरामैन थे। और आई जस्ट कीप थैंकिंग हिम बिकॉज़
कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत अलग दिख रही हूँ. इतने सारे लोगों ने बोला है कि मैं बहुत अलग लग रही हूँ, लग ही नहीं रही हूँ कि मैं विद्या हूँ. That's what another thing. So, ये मुझे अच्छा लगता है अगर कोई कमेंट करता है या कोई क्रिटिक्स ने लिखा है कि जब वैशाली आती है तो पता ही नहीं चलता कि ये विद्या है. तो एग्जैक्टली वही जो मैं इम्तियाज जी को बोल रही थी कि मुझसे ये पार्ट ना ले क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी. और आई थिंक एक एक्टर की ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हो सकती है कि वो ऑडियंस उसमें उस किरदार को देखे, ना कि उस एक्टर को देखे. यू नो, विद्या को छोड़ के सिर्फ वैशाली नजर आए. तो अगर मैंने वो करने की कोशिश की है और अगर वो कोशिश सफल हुई है तो मुझे बहुत बहुत उस बात की बहुत खुशी. जैसे कि इस सीरीज का एक सॉन्ग है मेहरम, जो कि एक्चुअली मैंने भी सुनी और ये मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आई है. इस गाने में यू नो एक रोमांस भी दिखाया और पेन भी कई हद तक दिखा दिया गया है. एंड सॉरी पे सुहागा वाली बात ये कि इसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस गाने के बारे में? यू नो, मैंने आई थिंक इन इंडस्ट्री में 19 इयर्स ऑलमोस्ट 20 साल वेट किया है किसी लव सॉन्ग के लिए. और कैन यू इमेजिन जब आता भी है तो एक इम्तियाज अली के शो में अरिजीत सिंह के आवाज में नीलाद्री जी ने यू नो म्यूजिक दिया है और इरशाद कामिल जी ने लिखे है उसके शब्द और वो मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ है. तो आई कांट बिलीव इट. मेरे और कुमुद जी की जो 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 पेन और लॉन्गिंग और लव स्टोरी जो है उस पर ये लिखा हुआ है. एंड इट मेहरम मींस फॉरबिडन लव. सो आई जस्ट कुड नॉट बिलीव इट. सो यही था कि यू नो पहले ट्रेलर में मेरा सिर्फ एक शॉट था और मैं कहीं बाहर थी, मैंने वो ट्रेलर देखा नहीं था. जहां मैं थी वहां नेटवर्क जरा भी नहीं था. तो मुझे अभी मैनेजर ने मैसेज किया था लिख करने के लिए कि ट्रेलर पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे. तो मैंने कहा कि लिसन, वो ट्रेलर तो पोस्ट करना छोड़ो, डाउनलोड भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इतना खराब है. तो ऐसे पर कैसे लग रहा है? हाँ, ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम नहीं हो उसमें, एक ही शॉट है मतलब. सो क्या मैं नहीं हूँ? अच्छा, एनीवे. तो जब हुआ वो मैंने ट्रेलर पोस्ट कर दिया, देख लिया, ये हुआ. पर मुझे कहीं लग रहा था कि कुछ और होने वाला है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा यू नो वो लोग ऐसा सस्पेंस में रख रहे हैं कुछ और है. और फिर ऑफ कोर्स मुझे पता चला कि क्योंकि ये ऑब्वियसली यू नो एक जो ये पीआर और व्हेन दे डू दिस द मार्केटिंग पीपल नो कि उनको क्या पहले जाना चाहिए क्या अलग जाना चाहिए. तो मेरा काम है एक्टिंग करो और फिर पीछे हटो, फिर बाकी जो है उनको उनका काम करने दो. So even if I felt like, oh really, मुझे भी ट्रेलर में होना चाहिए था, then I said, जाने दो, it doesn't matter, I'll have something better coming. And the next thing we see is मेहरम रिलीज हुआ. और मेहरम क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने रिलीज करा और उसके साथ मेरा यू नो द यंगर विशेषण वैशाली एंड मी एंड कुमुद जी वाज इन दैट प्रोमो एंड इट वाज जस्ट सरियल. और यही नहीं, मेहरम के साथ एक और बहुत ही सुंदर गाना है खालीपन, जो भी लोग जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, वो भी गाना इस क्लाइंबिंग चार्ट्स. तो ऐसे एक साथ 20 साल वेट करने के बाद दो दो आ गए और दो दो इतने अच्छे गाने कि लोगों को भी अच्छे लग रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जी. एक्चुअली हर किसी को इनफैक्ट मैंने कमेंट्स भी पढ़े तो पीपल वर लाइक यू नो कि जो एक अर्ली एक टीनेजर की लव स्टोरी दिखाई जाती है सॉन्ग में. अभी आजकल जो काफी ट्रेंड चल रहा है कि एक यंग एक्टर्स दिखाते हैं, काफी यंग एक्टर्स, बट ये जो मिडल एज वाला जो रोमांस और जो लव स्टोरी दिखाई वो बहुत ज्यादा यू नो ऑन स्क्रीन बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है. थैंक यू. मुझे पता नहीं था लोग लोगों को डेफिनेटली यंगर रोमांस देखने में ज्यादा मजा आता है ऐसा हमें लगता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसे मुझे लगता है रोमांस किसी भी एज में, एज का वो देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर रोमांस. रोमांस इज रोमांस. फिर आप अगर यू नो 15 साल के हो या 25 साल के हो या 50 साल के हो या फिर 80 साल के हो, वो उतना ही अच्छा लगता है. आप अगर एक 70-year-old कपल को हाथ में हाथ डाल के वॉक करते हुए देखे, आप ऐसे करोगे डेफिनेटली, क्योंकि जो रियल बनता है ना, जो रियल दिखता है ना, वही दिल को छू जाता है. अगर थोड़ा फेकनेस आ जाएगा तो फिर ना यंग चलेगा ना ओल्ड चलेगा.
तो आई थिंक थोड़ा बहुत हमने हमने कोशिश की है कि इसको जैसा है वैसा फील करे और वैसा लोगों को अगर फील कराए तो फिर बात बन जाएगी। बेशक बेटा, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो चलन है यानी कि जो ट्रेंड है वो काफी हद तक बढ़ गया है। पहले मूवीज ज्यादा पसंद की जाती थी, टीवी सीरियल्स पसंद किए जाते थे, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद यू नो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऑडियंस ज्यादा प्रेफर कर रही है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि जो बदलाव आया है सडन ऑफ में, क्या कुछ आपने क्या नोटिस किया है? मैंने ये नोटिस किया है कि पिछले 4 साल में मैंने बहुत सारी शूटिंग की है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मुझे लग रहा है कि यू नो कंटेंट या एक्टर्स या टेक्नीशियंस सबके लिए ये एक सेकंड लीज ऑफ लाइफ है, क्योंकि अलग अलग चीजें करने का मौका मिल रहा है, अलग चीजें लिखने का मौका मिल रहा है राइटर्स को, अलग तरह के किरदार निभाने का मौका मिल रहा है एक्टर्स को। सब लोग बहुत बिजी है, सब लोगों के पास काम है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जैसे आपको आप कभी निकल पड़े तो उतना आपका आपका आपकी लाइफ बहुत छोटी है, जैसे वो कहते हैं एन एक्टर शेल्फ लाइफ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। एक्टर्स लाइक मी जिन्होंने सोचा था कि मुझे नहीं करना ये इंडस्ट्री में काम, क्योंकि अगर मुझे कुछ मेरे मैं जो डिजर्व करती हूँ वो नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूँ ये, मुझे ऐसे कुछ आलतू फालतू नहीं करना है, और इसलिए मैं योगा भी सिखाती थी। फिर जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, एक्चुअली आप एक्टर्स देखो अभी या टेक्नीशियंस या राइटर्स जो भी डायरेक्टर्स देखो, इतने सारे नई आइडियाज आ रही है, इतने अच्छे एक्टर्स देखने को मजा आता है जो वो कर रहे हैं और जो जो निकल रहा है, मुझे बहुत मजा आता है देखने को भी और देन क्रिएट करने को भी ऑब्वियसली, बिकॉज अब आपने बार यहाँ सेट किया है तो आपको भी वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ एक स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री से हम आई थिंक एक क्रिएटिव इंडस्ट्री बने हैं फाइनली, सो दैट्स रियली दैट्स समथिंग। ओटीटी का मतलब जैसे बहुत लोगों का ऐसा मानना है ओटीटी मतलब कि वहां पे बोल्ड कंटेंट होता है, बोल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे कभी आपको ऐसा कैरेक्टर आया जहां पर आपको बोल्ड कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया हो या फिर ऐसा कुछ मिला हो, ऑफर आया हो? आई डोंट नो व्हाट बोल्ड कैरेक्टर इज, आई जस्ट नो दैट मेरे कैरेक्टर का ग्राफ है और मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है, और इसे अगर ये नॉर्मल या रियल है तो इसमें जो करना है वो करेगा। मुझे बोल्ड का मतलब नहीं समझ आता ये सब जब आप सब लोग कहते हो, क्योंकि आई डोंट इवन नो व्हाट दैट इज, आई जस्ट थिंक दैट अगर आप कह रहे हैं कि ओ आई यू ओके टू डू अ सीन एन इंटीमेट सीन विद समबडी, तो वो मैंने डॉक्टर अरोरा में ही किया है, और उस वो सीन तो इवन सबसे डिफिकल्ट था क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं थी, उसमें इमोशनल चार्ज इतना था कि वो जो उसका तूफान उमड़ता है वो उस वक्त ही उमड़ता है व्हेन शी इज इन बेड विद डॉक्टर अरोरा अभिषेक, एंड देन बिकॉज इट वाज सच अ चार्ज सीन इट बिकेम, आई डोंट नो इफ दैट इज बोल्ड फॉर यू, फॉर मी आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि मैं पूरा एक ग्राफ लेकर चलूं और उसमें जो कैरेक्टर की जर्नी है उसे जीऊं और उसे पोर्ट्रे करूं, तो वो कितना बोल्ड है कितना नहीं है इसके बारे में मैं नहीं सोचती, किरदार के बारे में मैं सोचती। हाँ बहुत टाइम मेरे पास ऐसी फालतू स्क्रिप्ट भी आती है जो ये करना है वो करना है, पर उसका कुछ अगर सर पैर ही नहीं है तो फिर आप क्यों करोगे, मैं तो नहीं करूँ, आई डोंट नो। मुझे अगर आप एक बिगिनिंग मिडिल और एंड दोगे कि ये है भैया तेरा ग्राफ है, इस तरह से ये स्टोरी मूव होती है और इस तरह से तुम मूव होती हो उसमें, तब उसमें करने में मजा भी आता है ना। सो दैट्स इट, इट्स अबाउट व्हाट आई एम प्लेइंग एंड हाउ मच। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप योगा भी सिखाती थी पहले, हालांकि चीजें बहुत लोगों को नहीं पता थी, लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे आपने पोस्ट करना चालू किया उसके बाद लोगों को पता चलना कि नहीं आप यू आर इनटू योगा, तो आई वांट टू आस्क यू कि योगा ने किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज किया है? आई थिंक योगा ने मुझे
लाइफ में वापस लाया है, मेरी लाइफ वापस लेके आया है एक तरह से, क्योंकि आई थिंक वो योगा मेरी जिंदगी में आया जब आई थिंक मेरा आई वॉज जस्ट नॉट इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड एंड आई वॉज वेरी वेरी डाउन एंड आउट प्रोफेशनली पर्सनली इन ऑल एस्पेक्ट्स इमोशनली. तब आई थिंक बहुत साल पहले मेरी जिंदगी में आया और मैंने आई थिंक उसे कभी छोड़ा नहीं जब से आया है. थोड़ा कभी कभी इधर उधर हो गया होगा पर आई ऑलवेज केप्ट गोइंग बैक टू इट. और फिर आई थिंक अराउंड 8-10 साल पहले अगेन इट स्टार्टेड. और 5 साल पहले 6 साल हो गए जब तब से मैं सिखा रही हूँ. और आई थिंक जो चेंज आता है ना, मतलब आपकी बॉडी डिफरेंट दिखती है, आप अच्छे दिखते हो, वो सब अलग है, पर जो चेंज आता है वो यहाँ आता है. मेंटेलिटी आपका जो मेंटल स्टेट है उसे चेंज करता है. उसे चेंज करने का योग में इट्स दैट पावरफुल. व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स योगा विल वर्क. आप रियली दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि मेरे साथ तो वही हुआ है. और आई थिंक हम लोग सब इतना बाहर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर, सोशल मीडिया, दिस दैट न्यूज, ऑल ऑफ दैट इज सो मच. तो एक अपने अंदर जाने की जर्नी खत्म हो जाती है. सो विच इज व्हाई आई थिंक दिस हैज बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी एंड इट एक्चुअली ब्रॉट मी बैक टू लाइफ मोर देन एनीथिंग. That's great. So, वैशाली के बाद अब ऑडियंस फिर से विद्या को कब और कहां देख पाएंगे? बस अभी आई थिंक अगले 1-2 महीने में मिसमैच्ड सीजन 2 रिलीज हो जाएगा नेटफ्लिक्स पे, उसमें देखोगे. फिर एक अमेज़न की सीरीज की है, उसमें भी देखोगे. तो या कपल ऑफ थिंग्स स्टिल. सो विद्या, जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ मैसेजेस आप देना चाहेंगे? प्लीज जाके डॉक्टर अरोरा देखिए. सोनी लिव पे अब स्ट्रीम हो रहे हैं सारे एपिसोड्स, हमने बहुत मजे से बनाए हैं और आपको भी बड़ा मजा आएगा देखने में. और जरूर हमें बताइए कि आपको कैसा लगा. सो थैंक यू सो मच विद्या हमसे बात करने के लिए. आपसे बात करके काफी अच्छा लगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग. थैंक यू.